नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा, स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। इस साल रबी प्याज के रकबे में 10-15% की कमी देखी जा रही है। देश के कुल प्याज उत्पादन में 70% हिस्सा रबी फसल का होता है। रबी प्याज की सेल्फ लाइफ करीब 5-7 महीने तक होती है। मार्च से सितंबर तक प्याज में रबी प्याज की बिक्री होती है, इसलिए रबी प्याज के उत्पादन में गिरावट की खबर सरकार के लिए चिंता बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में उत्पादन 20% तक घटने से मार्च अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन एक बार फिर ऊंचे स्तर पर पहुँच सकता है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जा सकती है। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग के बीच एनपीएस की समीक्षा के लिए पिछले साल अप्रैल में वित्त सचिव डीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए हैं। सरकार भी एनपीएस को आकर्षक बनाकर ओल्ड पेंशन की मांग को दबाना चाहती है। बजट में पेंशनर्स की चिंताओं को दूर करने के लिए भी कुछ उपायों की घोषणा हो सकती है। ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड ने अपनी पहली स्कीम लॉन्च कर दी है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो अधिकतम 30 स्टॉक में निवेश करेगी। सब्सक्रिप्शन के लिए ये स्कीम 17 जनवरी से 19 जनवरी तक उपलब्ध होगी। निवेशक न्यूनतम ₹2500 के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए न्यूनतम राशि ₹5000 है। इस स्कीम के प्रदर्शन का आकलन S&P BSE 500 बेंचमार्क के आधार पर किया जाएगा। बंधन म्यूचुअल फंड और मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने भी नई स्कीम पेश की है। बंधन और मिराय दोनों ने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। दोनों स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए 10 जनवरी से खुल चुकी हैं। बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगी। मिराय मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी, डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड सिल्वर ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश करेगा। भारत ब्रांड के तहत बाजार में बेची जा रही चना दाल उपभोक्ताओं के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया है। बाजार में उतारे जाने के 4 महीने के अंदर ही भारत ब्रांड ने 1/4 बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। किफायती होने के कारण इस दाल को उपभोक्ता काफी पसंद कर रहे हैं। अक्टूबर में जारी की गई भारत ब्रांड चना दाल की कीमत ₹60 प्रति किलोग्राम है, जबकि अन्य ब्रांड की दाल लगभग ₹80 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। पिछले 4 महीने में करीब 2.28 लाख टन भारत ब्रांड चना दाल बेची जा चुकी है। सरकार नेफेड, NCCF, केंद्रीय भंडार और 5 राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की खुदरा बिक्री कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की खपत घटाने के लिए सरकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर 6000 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी हाईवे तैयार करने की योजना बना रही है। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए वाहन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिलेगी। ई मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में ई बसों का परिचालन बढ़ाने के लिए अगले 7 सालों में 6000 किलोमीटर लंबा ई हाईवे विकसित किया जाएगा। ये हाईवे ग्रीन एनर्जी वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संचालित होंगे। नई ई हाईवे से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे ज्यादा लोग अपने डेली ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। पिछले साल इलेक्ट्रिक यात्री कारों की बिक्री 82,105 यूनिट रही, जो तय लक्ष्य 1 लाख से कम है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से पहली बार कार खरीदने वाले इलेक्ट्रिक कारों से दूरी बनाए हुए हैं। उपभोक्ता देश में ईवी की रेंज और अपर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर संशय में है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 2022 के मुकाबले 2023 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 36% बढ़ी है। 2023 में कुल 8,59,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिके हैं। पेटीएम का संचालन करने वाली फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर भारत की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। सीमा पार लेन देन के लिए एक आदर्श इनोवेशन हब के रूप में गिफ्ट सिटी के साथ मिलकर पेटीएम भारत में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी।
दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 50 रुपए घटकर 63,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत भी 450 रुपए गिरकर 76,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने का भाव 86 रुपए बढ़कर 62,265 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी का मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए भाव 243 रुपए उछलकर 72,290 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टाइम टू ट्रेवल नाम से एक स्पेशल प्रमोशनल कैंपेन शुरू किया है। इस खास ऑफर के तहत देश के कई हिस्सों में मात्र 1,799 रुपए में हवाई ट्रेवल करने का मौका दिया जा रहा है। यह ऑफर 11 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2025 तक वैलिड रहेगा। यात्री पूरे एक साल इस स्पेशल ऑफर के तहत सस्ते में फ्लाइट टिकट बुक करवा सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि 1,799 रुपए में बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली जयपुर, बेंगलुरु कोची, दिल्ली ग्वालियर और कोलकाता बागडोगरा रूट के लिए टिकट उपलब्ध हैं। कंपनी ने 9वीं सालगिरह पर एक स्पेशल एनिवर्सरी सेल का भी ऐलान किया है। इस सेल के तहत यात्रियों को कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट पर स्पेशल छूट का लाभ दिया जा रहा है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।